हे मेडिकोस, मैं अभी घर से निकल चुका हूँ। कहाँ निकला हूँ आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा। तो प्रेजेंटली मैं जा रहा हूँ लंका रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से मुझे पकड़ना है कामरूप एक्सप्रेस जो जाता है डिब्रूगढ़। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो। आफ्टर आई मेड द कट ऑफ वीडियो, लॉट्स ऑफ व्यूअर्स आर इंटरेक्टिंग विथ मी फॉर मेकिंग LMCH व्लॉग। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग ऑन डिमांड। हर बात को सुनने में और देखने में अंतर होता है। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं अभी जा रहा हूँ LMCH। फिलहाल मुझे जाना है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जहाँ पे आ रहा है कामरूप एक्सप्रेस। तो फाइनली लंका रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खन एरिले इतिया पाइसु मैं लामडिंग रेलवे स्टेशन। कुनुबा जदि सिलचर मेडिकल पाइसे सिलचर मेडिकल कॉलेज जाबले वाले यार पर ट्रेन एक्सचेंज है। अब देखने को चलें तो इस रास्ते में मैं कम से कम 4 मेडिकल कॉलेज को क्रॉस करने वाला हूँ। पहला तो अभी नेक्स्ट स्टेशन में आ रहा है डिफू मेडिकल कॉलेज, उसके बाद जोराट जो कि रात में मैं क्रॉस कर लूँगा मुझे पता नहीं चलेगा, उसके बाद आएगा डिब्रूगढ़ AMC और लास्टली मैं जहाँ जाने वाला हूँ वो LMCH। ये अभी हम पहुँच गए डिफू रेलवे स्टेशन। बीच का पार्ट मैंने स्किप कर दिया। तो ये है डिमापुर नागालैंड। तो फाइनली मैं सोने जा रहा हूँ। तो सुबह मिलते हैं तिनसुकिया। तो अभी पहुँच गया तिनसुकिया जंक्शन। ओवरऑल अगर देखने को चलें तो मैं इस वीडियो में वॉइस ओवर कर रहा हूँ। ऑन द स्पॉट मैंने वॉइस नहीं दिया क्योंकि मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो बाद में मैं जब कैमरा में आना शुरू हो जाऊंगा तब मैं कोशिश करूंगा कि मैं वॉइस ऑन द स्पॉट दूं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं वॉइस ओवर ही कर रहा हूं। तो तिनसुकिया जंक्शन से ट्रेन निकल चुकी है। इतिया पैसु डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन। ये वीडियो टू मल्टीपल लैंग्वेज ऑफ दी आर एटा मात्र कारण इसी कारण बहुत व्यूअर्स मैंने बेलेग बेलेग ভাষা জানে আৰু কিছুমানে অসমীয়া জানে, কিছুমানে অসমীয়া নাজানে, কিছুমানে হিন্দী জানে আৰু সিহঁতে অসমীয়া নাজানে, কিছুমানে অসমীয়া জানে হিন্দী নাজানে। সেইকাৰণে সব মানে মিক্স লেংগুৱেজত মই এইটো ব্লগটো বনাইছোঁ যাতে সবে বুজি পায়। গতিকে ডিব্ৰুগড় ষ্টেচনৰ বাহিৰৰ ফালে ওলাইছোঁ। ইয়াত ক'ভিড প্ৰট'কল কিছুমান আছে, এইটোবিলাক ফ'ল' কৰিব লাগিব। এতিয়া গৈ চাওঁ এতিয়া কি হয়। ইয়াত কোনো কোভিড টেষ্ট হোৱা নাই। যিসকলে ভেকচিনৰ এটলিষ্ট 1 ড'জ হ'লেও লৈছে সিহঁতক টেষ্ট কৰা নাই। এটা এক্সিট পাছ দিছে, সেই এক্সিট পাছটো ছাবমিট কৰিব লাগে ছিকিউৰিটিত। এঘণ্টামান সময় ষ্টেচনত ৰখিবলগীয়া হ'ল কাৰণ সোনকালে ট্ৰেইনখন আহি পালে। এতিয়া মই গৈ আছোঁ বাছ ষ্টেণ্ড ফালে। ফিলহাল সুবহকে বাজ গৈ 5 আৰু মই পহঁচ গৈ ফুলবাগান বাছ ষ্টপ আৰু ইয়াৰ মই পকড়ুঙা লখিমপুৰ বালি বাছ। देखा जाए तो यहाँ सुबह बहुत ठंड होता है। अभी यहाँ 16 डिग्री है। मुझे कार्बी आंगलों का तो पता नहीं क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठता नहीं, 10 बजे उठता हूँ। तो पता नहीं है इस बारे में कि वहाँ ज़्यादा ठंड होता है या यहाँ ज़्यादा ठंड होता है। लेकिन जो भी हो, मैं अभी चढ़ चुका हूँ लखीमपुर वाली बस में। डिब्रूगढ़ में ये कौन सी जगह है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन मज़ा आया। नेक्स्ट पार्ट हम शुरू करते हैं बोगीबिल ब्रिज। तो ये बोगीबिल ब्रिज बताने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि सबको पता है। उसके बाद हम जा रहे हैं लखीमपुर की तरफ। और ये उधर डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो चुका है, अभी इधर धेमाजी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो चुका है। सेकंड का टाइम लैप्स जो है मैंने शूट किया था। तो फाइनली हम उतर चुके हैं लखीमपुर में, नॉर्थ लखीमपुर टाउन। यार पर 3.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर पे जा लखीमपुर मेडिकल कॉलेज। तो गए लखीमपुर मेडिकल कॉलेज। ये लखीमपुर मेडिकल कॉलेज गेट, मेन गेट ना, मेन गेट कौन पास पाले बनाए ऐसे त्यों। মোৰ লেফ্ট চাইডত
কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি থকা হৈছে এইটো প্ৰিন্সিপাল ৰেচিডেঞ্চ। তাৰপিছত বহুত বিল্ডিং আছে, মই সব কথা গম নাপাওঁ, হ'লেও যিমান মই গম পাইছোঁ বা দেখিছোঁ বা চাইনবোৰ্ড চাই পেলাই কৈ আছোঁ। এইখন হৈছে হস্পিটেল, মেইন হস্পিটেলখন, হস্পিটেল বিল্ডিং। এইটো হস্পিটেল বিল্ডিঙৰ পাঁচফাল কম নে একফাল কম এইটো মই নাজানো। যো আগে দিখ ৰা ও কলেজ কা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ব্লক হে, একাডেমিক্স ব্লক, আৰু যো ইধৰ মে ইয়ে হে হস্পিটেল ব্লক। अब मैं जा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की तरफ। एकेडमिक व एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और फले मैं गई ऐसे थे जिसने ऐसे लखनपुर मेडिकल कॉलेज और बैक साइड है जिसने ऐसे मैंने मोर ऑपोजिट साइड ऑफ है। सीधा जो आपको दिखाई दे रहा है वो है लखनपुर मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल। उसके पास में गेट बन रहा है। इधर जिस साइड में ट्रक खड़ा है उस साइड में मोस्ट प्रोबेबली प्लेग्राउंड बन रहा है। और मैं चलते चलते आप पहुंच गया हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के गेट में, तो चलिए अंदर घुसते हैं। तो ये लखनपुर मेडिकल कॉलेज का एंट्रेंस, तो मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। एडमिशन लोअर पिछले मैं कंफर्म से कौन टू की डिपार्टमेंट आते डिपार्टमेंट और दिखाए कुछ नहीं जाना। मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट ईयर MBBS तो तलार फ्लोर हम ग्राउंड फ्लोर तरपत ये फर्स्ट फ्लोर आई जो सेकेंड ईयर क्लासरूम हम এটা সাবজেক্টৰ বিষয়ে জানো, ফাৰ্মাকলজি, যিটো মষ্ট প্ৰবেবলি ছেকেণ্ড ইয়াৰ MBBSৰ ছাবজেক্ট হয়, গতিকে এইটো ছেকেণ্ড ইয়াৰ MBBSৰ ক্লাছৰুম হ'ব। তাৰপিছত মই গৈ আছোঁ থাৰ্ড ফ্ল'ৰ, চৰি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ, ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত মষ্ট প্ৰবেবলি থাৰ্ড ইয়াৰ MBBSৰ ক্লাছৰুম হ'ব। কোন সা কিছ চিজ কা অফিচ হে মুঝে কুছ পতা নাই লাগ ৰা হে, লেকিন देख के मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ स्टिल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैं नीचे जा रहा हूँ हॉस्टल की तरफ। तो मैं बाहर आ चुका हूँ, तो मैं जाऊँगा हॉस्टल की तरफ। तो हॉस्टल में कॉलेज से निकलते ही पीछे के तरफ है बॉयज़ हॉस्टल, और सामने जो आपको दिख रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो है मोस्ट प्रोबेबली गेट। ये एकेडमिक ब्लॉक का पीछे का साइड, वहाँ से दिखता है आपको कॉलेज का मेन गेट। उधर जो आपको दिख रहा है वो है गर्ल्स हॉस्टल, उसी के अपोजिट में बॉयज़ हॉस्टल। লাষ্টত মই এতিয়া বয়জ হোষ্টেলৰ ফালে ওলাইছোঁ। বয়জ হোষ্টেলত ভিতৰত ৰুমছবোৰ কেনেকৈ বনাইছে, কেনেকুৱা বনাইছে মই দেখুৱাম। মাজত গাৰ্ডেন বনাইছে মষ্ট প্ৰবেবলি। ওপৰত উঠি পেলাই চাইছোঁ, মষ্ট প্ৰবেবলি এইটো ছিংগল ৰুম হ'ব। ইয়াৰ পৰা দেখা পায় কথা, এইটো এখন মষ্ট প্ৰবেবলি ডাবল ৰুম। बेलकनी से पूरा हॉस्पिटल ब्लॉक दिखता है, और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली गेट है।
तीसरे रूम में जा रहा हूँ। सामने गर्ल्स हॉस्टल है और मैट किटलो सर का वो फेमस एडवाइस यहीं शूट हुआ था मोस्ट प्रोबेबली। और ऊपर चला गया तो यहाँ से तो कुछ नहीं दिख रहा है, फिर भी और ऊपर जा रहा हूँ टेरेस के द्वारा। तो ये मैं टेरेस में पहुँच गया। लाइव इशू लखनपुर मेडिकल कॉलेज पर कॉलेज ब्लॉक आगत जो देखे देखा पाए हॉस्पिटल ब्लॉक और ये तो हॉस्पिटल ब्लॉक और साइड में आसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट। ये कॉलेज खन एरिया हिलो एतिया ए वीडियो टी याते करिम एंड। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और क्या क्या होता है सब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आप पेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।